आपका क्वेश्चन है एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज एंड सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी. प्रूव दैट ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी बाई ए डी. ठीक है, तो आपको इसके अंदर करना क्या है समझे. इसके अंदर इसमें पहले से दे रखा है कि ए सी बी इज 90 डिग्रीज एंड सी डी इज परपेंडिकुलर. दैट मीन्स आपका सी डी क्या बनाएगा, ये यहाँ पर 90 डिग्रीज. ठीक है, आपको ये वाला प्रूव करना है. अगर आपको थ्योरम्स याद हैं, थ्योरम्स याद हैं, तो आप डायरेक्ट थ्योरम्स लिख सकते हैं. ठीक है, इन अ राइट ट्रायंगल, इन अ राइट ट्रायंगल If you draw a perpendicular line from the vertices to the hypotenuse, then the two angles formed by perpendicular to each sides are similar to the whole triangle and each other. That theorem लिख सकते हो आप. ठीक है, लेकिन अगर आपको theorems याद नहीं है तो आपको क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ. BC square हमारा कहां पर है, हमको कुछ याद आना चाहिए कि हमने सेकंड थ्योरम में कुछ ऐसा किया था, सेकंड थ्योरम में कुछ ऐसा किया था. तो अब हम क्या करेंगे, सेम चीज करेंगे. ये ट्रायंगल प्लस बड़ा वाला ट्रायंगल, ये दोनों का लेंगे. सॉरी, यहां पर देखो BC लिखा है, तो BC किस में है, इसमें. तो दिस ट्रायंगल एंड बिग वाला ट्रायंगल, तो वही हम लिखते हैं. इन ट्रायंगल बी डी सी एंड बड़ा वाला ट्रायंगल क्या है हमारा, ए सी बी. ठीक है, ये ट्रायंगल के हिसाब से आपको सिमिलर प्रूफ करना है दोनों को. इसके अंदर आपका एंगल बे इज कॉमन. ठीक है, और आपका बी डी सी यानी छोटा वाला, तो आपका क्या हो गया, बी डी सी एंगल बी डी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी दैट इज इक्वल टू 90 डिग्रीज. तो दो ए हो गए हमारे, तो हमने लिख दिया ए ए बाई ए ए, क्या हो गया हमारा सिमिलैरिटी क्राइटेरियन. दिस बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, दैट मीन्स ट्रायंगल बी डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए सी बी. अगर ये सिमिलर हो गए हैं तो आपके ये वाले ट्रायंगल में अगर हाइट देखोगे तो दैट इज डी बी इज आवर हाइट, है ना. तो हम लिखेंगे डी बी बाई, और बड़ा वाला ट्रायंगल लोगे तो बी सी इज द हाइट इज इक्वल टू, है ना. अगर आप हाइपोटनस लेके चलते हो छोटे वाले का, बी सी इज द हाइपोटनस एंड बड़े वाले का ए बी इज द हाइपोटनस. तो ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, आपका आएगा बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी इंटू डी बी. ठीक है, तो हमको ये बी सी स्क्वायर निकल गया यहां पर. अब हम निकालेंगे ए सी. ए सी कहां पर है हमारा, ये वाला. तो ये ट्रायंगल एंड बड़ा वाला ट्रायंगल दोनों को हम क्या करेंगे, सिमिलर प्रूव करेंगे. तो हमारा आएगा इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए सी बी. आप देखोगे एंगल ए इज कॉमन, ठीक है, एंगल ए इज कॉमन, और क्या है हमारा 90 डिग्रीज. तो क्या हो गया हमारा सी डी ए, एंगल सी डी ए
is equal to angle ACB, that is equal to 90 degrees. So by AA similarity criterion, क्या हो जाएंगे हमारे दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे. ट्रायंगल ADC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ACB. ठीक है, अब आप रेशियोस निकालेंगे. मैंने आपको कहा सेंटर वाले को नहीं लेना है, तो आपका ये वाला क्या हो गया हमारा हाइपोटेनस. तो हम लिखते हैं AC by इसका हाइपोटेनस इज AB, दैट इज इक्वल टू, अब AD इज द बेस इसका, तो AD छोटे वाले का बेस है, तो बड़े वाले का बेस क्या हो गया CA AC. तो दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आपका आएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB इनटू AD. ठीक है, आपके दो चीज आ गए, एक इधर एक इधर. अब इसने इसमें क्या किया है, रेशियो में डाल दिया है, तो वी विल पुट इन रेशियोस. तो इन रेशियो के हिसाब से अब हमारा क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी इंटू बी डी, डी बी को बी डी भी लिख सकते हैं, बाई ए सी स्क्वायर. और दैट इज इक्वल टू ए बी इंटू ए डी. तो ए बी और ए बी हमारा कट गया, तो हमारा क्या बच गया, बी सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी बाई ए डी, बी डी बाई ए डी, है ना. देयरफॉर बी सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी बाई ए डी, हेंस प्रूव. ठीक है, आपका क्वेश्चन है, अ लैडर इज प्लेस अगेंस्ट अ वॉल सच दैट इट्स फुट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 मीटर्स फ्रॉम द वॉल एंड इट्स टॉप रीचेस अ विंडो 6 मीटर अबव द ग्राउंड, फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर. तो जैसा इसने कहा वैसे हम फिगर बनाते हैं इसका. तो हमारा फिगर कैसा रहेगा, ये सपोज हमारा क्या है वॉल, तो वॉल इज आवर ए एंड बी वॉल. ठीक है, फिर इसने क्या कहा कि इट्स फुट यानी लैडर का फुट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 मीटर्स. तो अब हम यहां पर एक लैडर फिट करेंगे जो इसका डिस्टेंस कितना रहेगा, 2.5 मीटर्स. ठीक है, और इसने क्या कहा, एंड इट्स टॉप रीचेस अ विंडो 6 मीटर अबव द ग्राउंड. तो सपोज एक यहां पर एक ये वॉल है, यहां पर एक विंडो है. ठीक है, ये विंडो के पास में ये पहुंच रहा है ऐसे, दैट इज टॉप रीचेस अ विंडो 6 मीटर अबव द ग्राउंड. तो ये विंडो का हाइट कितना है, 6 मीटर्स. ठीक है, अब हम इसको नेम कर देंगे ए बी सी एंड डी. तो अब हमारा ये फिगर बन गया. फिगर बनने के बाद अब इसने बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर, यानी कि आपको क्या निकालना है, ये. ठीक है, सीडी निकालना है आपको. अब हमारा पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, क्या बोलता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से के हिसाब से हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. ठीक है, सेम चीज हम इसमें डालते हैं, तो हमको हाइपोटेनस नहीं पता है, तो हमारा क्या हो गया, सीडी स्क्वायर इज इक्वल टू
हाइट स्क्वायर, हाइट हमारा कितना दिया है इसने 6 मीटर्स, तो हमारा क्या हो गया 6 स्क्वायर प्लस दिस 2.5 मीटर्स, तो कितना हो गया 2.5 स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 6 स्क्वायर इज 36 प्लस 2.5 स्क्वायर कितना होता है 6.25, करके देख सकते हो आप, तो आपका आएगा 6.25। ठीक है, दोनों को ऐड करोगे आपका आ जाएगा 42.25, दैट इज आवर सी डी स्क्वायर। देन व्हाट इज सी डी? सी डी इज रूट ऑफ 42.25। अब आपको उसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट कैसे निकलता है हम लोगों को लॉन्ग डिवीजन मेथड पता है, तो इसका हम निकालते हैं। तो हमारा क्या आएगा, जस्ट हम चेक कर लेते हैं एक बार। मेरे हिसाब से अगर शॉर्ट फॉर्म में जाओगे तो 6.5 आना चाहिए इसका। देखते हैं हमारा क्या आएगा लॉन्ग डिवीजन में। 42.25 पेयर बना दिया हमने, ठीक है। अब 42 किसमें जा रहा है हमारा, 6 में, 6 जा 36 हो गया हमारा। हमारा बचा यहाँ पर 6 और यहाँ पर बचा 2 and 5, तो पॉइंट हम पहले लगा देंगे यहाँ पर। अब 6 जो हमारा लास्ट डिजिट था वही हम ऐड करेंगे प्लस 6, तो हमारा हो जाएगा 12 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो लिखेंगे वही चीज हमको यहाँ पर लिखनी है, तो यहाँ पर लास्ट इज 5, तो हम 5 लेकर चलते हैं एक बार, 5 इधर 5, तो 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 2 जा 10 प्लस 2 इज 12, 1 कैरी, 5 1 जा 5 प्लस 1 इज 6, तो हमारा क्या आ गया 6.5। तो सी डी इज इक्वल टू 6.5 मीटर्स, ये आपका आंसर है, ठीक है।